कल जो है 15 अगस्त 1947 है, तो इसी दिन हमको आज़ादी मिली थी। और हमें ये सिखाया जाता है कि हमको आज़ादी जो है अहिंसा के मार्ग पे चल के मिली थी। तो दोस्तों ये जो कहना बहुत ही ज़्यादा गलत है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आज यही बताने वाला हूँ आपको कि भारत को एक्चुअली आज़ादी कैसे मिली थी, क्या अहिंसा के मार्ग पे चल के हमें आज़ादी मिली। अगर अहिंसा के मार्ग पे ही चल के आज़ादी मिलनी होती तो दुनिया के कितने सारे देश होते, उनको आज़ादी मिल जाती पहले ही हमसे। तो इस वीडियो में हम ये चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों, भारत की आज़ादी जो है उसमें मेन जो है किसका रोल था। अगर मैं आपसे पूछूँ क्या बताओगे आप, तो मेन जो रोल था ना भारत की आज़ादी में वो किसका था दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज जो थी दोस्तों, इसकी स्थापना जो है, इसकी एक ब्रांच जो है कैप्टन मोहन सिंह ने करी थी सिंगापुर में, पर वो इतनी ज़्यादा अच्छे से चली नहीं। बाद में चल के जो है रास बिहारी बोस जो है इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। आज़ाद हिंद फौज के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं, रास बिहारी बोस। फिर भारत में जब 1939 में कांग्रेस को छोड़ के जो है सुभाष चंद्र बोस जो है चले जाते हैं कहाँ पर, आज़ाद हिंद फौज में जाके ज्वाइन हो जाते हैं, कौन, सुभाष चंद्र बोस। और एक नेता, बहुत बड़े नेता बन जाते हैं वो, आज़ाद हिंद फौज के सबसे बड़े नेता बन जाते हैं, कौन, सुभाष चंद्र बोस। अब क्या होता है, जो आज़ाद हिंद फौज होते हैं दोस्तों उसमें 60,000 सैनिक होते हैं, 60,000 सैनिक होते हैं। और आज़ाद हिंद फौज जो है इसमें गांधी, नेहरू और एक लक्ष्मीबाई, इस तरह से काफ़ी सारे ब्रिगेड हुआ करती थी, टोटल 60,000 सैनिक थे। अब ये सोचिए, भारतीय जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो आज़ाद हिंद फौज को जो है ना आतंकवादी मानते थे कि ये आतंकवादी समूह है, जबकि जर्मनी और जापान जो है उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को मान्यता दी थी अपने सैनिक बेस में, उनको मतलब सैनिक प्रशिक्षण ट्रेनिंग जो है जापानियों ने भी काफ़ी सारी हेल्प करी थी आज़ाद हिंद फौज को। तो आज़ाद हिंद फौज का जो बनाने का पर्पस क्या था कि भारत को जो है ना अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाना, कैसे, उनको मार पीट के लड़ाई लड़ के जो है अंग्रेज़ों को बाहर से खदेड़ देना, ये मकसद था आज़ाद हिंद फौज का। अब भारत में हमें क्या पढ़ाया जाता कि भाई महात्मा गांधी, नेहरू जी, कांग्रेस के जो इतने नेता थे ये क्या करते थे, इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ बहुत सारी बातचीत करी और अहिंसा के मार्ग पे चल के हमको आज़ादी दिलाई। तो सोचो दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज जो थी ना उसमें 26,000 सैनिक मर गए थे, 26,000 सैनिक मारे गए थे। और 1857 की क्रांति में कितने सारे हमारे वीर योद्धा मारे गए, इसके अलावा आप भगत सिंह, सुखदेव आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे ऐसे वीर योद्धा जो थे इतनी कम उम्र में जो है उन्होंने क्या किया, देश के लिए शहीद हुए। अब उनकी आत्मा को कितना कष्ट पहुंचता होगा दोस्तों जब हमको ये पढ़ा दिया जाता है कि भाई भारत को आज़ादी तो भाई चरखा चलाने से मिली थी, तो सोचो दोस्तों कितना बुरा लगता होगा उनकी आत्मा को। तो एक मैं आपको घटना बताता हूँ दोस्तों, हुआ क्या था, दो कारण थे। देखिए, आपको कौन बताएगा एक्चुअली भारत को आज़ादी मिली, हम किससे पता कर सकते हैं, सच सच कौन बताएगा। तो इसका सही आंसर जिसने हमको आज़ादी दिया वही तो सच बता सकता है ना दोस्तों। तो हमको आज़ादी जो है अंग्रेज़ों ने दी, उस समय अंग्रेज़ों का जो प्रधानमंत्री हुआ करता था ना वो एटली था, कौन, एटली। तो एटली जब भारत को आज़ादी मिली तो एक बार कलकत्ता आया हुआ था दोस्तों, कलकत्ता में उसका एक इंटरव्यू हुआ, तो उससे पूछा गया कि ये बताइए आपने भारत को क्यों आज़ादी दी, क्या ऐसे कारण थे कि आपने भारत को आज़ादी दे दी। क्योंकि भाई कोई ऐसा कारण नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड जो है वो अंग्रेज जीत चुके थे, आज जो ये भारत छोड़ो आंदोलन था ये भी फ्लॉप हो चुका था, तो ऐसा क्या कारण था कि अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए। तो एटली ने क्या बोला, इसका मेन कारण जो है ना वो है सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की सेना। पूछा गया बताइए महात्मा गांधी का कितना योगदान है भारत की आज़ादी में, उसने कहा कम से कम, मिनिमम, उसने खुद कहा कि मिनिमम कम से कम जितना कम हो सकता है उतना कम उनका योगदान है, कांग्रेस का बहुत कम योगदान है, मेन कारण क्या है, आज़ाद हिंद फौज की सेना। तो आप कहोगे कैसे भाई, उन्होंने तो भारत लड़ाई लड़ी नहीं। तो हुआ ये है दोस्तों, वर्ल्ड वार जब सेकेंड हो रहा था तो भारत से बहुत सारे सैनिक जो है ब्रिटिश आर्मी में गए थे, वो पहले से भर्ती थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी लड़े थे। तो जब वो सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था जर्मनी साइड में, दुनिया के अन्य देशों में जहाँ जहाँ हो रहा था, तो भारतीय सैनिक गए, काफ़ी सारे भारतीय सैनिक मारे भी गए, और उनमें से कुछ भारतीय सैनिक वापस लौट के भी आए थे जिंदा। अब जब वो वापस लौट के आए थे ना दोस्तों, तो वो अब पुराने सैनिक नहीं थे, उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हो चुकी थी, उनको एक्सपीरियंस हो चुका था लड़ाई लड़ने का। अब ब्रिटिश जो आर्मी थी उसमें ज़्यादातर तो भारतीय ही होते थे दोस्तों, होते थे, क्योंकि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा थी भारतीयों की, और अंग्रेज़ों की जो आबादी थी बहुत कम थी। अब हुआ यहाँ पर ये, जब भी अंग्रेजी सेना जो है
जो अंग्रेजी सेना हुआ करती थी उसमें जो अंग्रेज होते थे ना, अंग्रेज ऑफिसर होते थे, वो भारतीयों क्या कहते थे ये काम कर दे, तो भारतीय जो थे ना वो अब करने से मना कर दे, तो उनके जो लक्षण थे ना वो विद्रोही जैसे लक्षण हो चुके थे उनके मन में जो है ना। नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस जब मर गए तो उनके मन में आज़ाद हिंद फौज को देखकर देशभक्ति जाग उठी थी, मतलब जो ब्रिटिश आर्मी थी उनमें देशभक्ति जाग उठी, ब्रिटिश आर्मी में जो भारतीय थे उनमें क्या होगी देशभक्ति जागी, किसको देखकर, आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज की जो सेना थी उसमें आपको पता उसका मोटिव क्या था, भारत में भारत को आज़ादी देना कि फोर्सफुली लड़ाई कर अंग्रेज़ों को जबरदस्ती लड़ा हरा कर उनको वापस उनके देश भेजना। तो ये भारतीय सैनिक क्या सोचते थे कि ये इतनी बड़ी सेना 60,000 की सेना है और हमारी तो लाखों में, भाई क्यों ना हम अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ दें। तो ये लक्षण उनमें नज़र आने, एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, 18 फरवरी 1946 को क्या होता है ना, ब्रिटिश आर्मी होती है, ब्रिटिश आर्मी में तीन विभाग थे उस समय भी, आर्मी भी हुआ करती थी, नेवी भी हुआ करती थी, एयरफोर्स भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो ब्रिटिश जो नेवी थी ना उसमें एक जहाज़ हुआ करता था ब्रिटिश का, ब्रिटिश नेवी का एक जहाज़ था समुद्री जहाज जिसका नाम था HMIS तलवार, HMI तलवार। इस पर जो भारतीय सैनिक थे नेवी में उन्होंने दोस्तों विद्रोह कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। किस बात को विद्रोह कर दिया, अंग्रेजी सैनिक क्या करते थे उनको नस्ल भेदभाव करते थे, वो कहते थे भाई तुम तो भारतीय हो, काले हो, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, ठीक है। ऊपर से भारतीयों को जो खाना दिया जाता था ना बहुत बेकार खाना दिया जाता था भारतीय जो सैनिक थे, तो इसको लेकर भारतीय सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब ये जो विद्रोही दल था इसके एक नेता हुआ करते थे MS खान, विद्रोही जो दल था इनके क्या कौन थे नेता, MS खान। तो उनमें से एक जो एक सैनिक होता दोस्तों, उनमें से एक सैनिक था जिसका नाम क्या था, BC दत्त। BC दत्त क्या करता है ना, जहाज पे क्या लिख देता है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब उस जो ये दत्त साहब होते हैं अंग्रेज क्या करते हैं, इनको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। अब ये जो विद्रोह था ये बहुत बड़ा रूप ले चुका है। एक दिन होता है 22 फरवरी 1946 को क्या होते हैं, लगभग 20 लाख मजदूर जो है ना वो देश के कई राज्यों में विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं। अब अंग्रेजों को ये डर सताने लग गया दोस्तों कहीं 1857 की क्रांति दोबारा से रिपीट ना हो जाए, जैसे 1857 की क्रांति थी वो एक सैनिक विद्रोह था ना दोस्तों, जिसमें अंग्रेज जो है हारते बचे थे, वो तो भारतीयों के कुछ गद्दार थे जैसे निजाम सिंधिया हो गए, ठीक है, कुछ राजपूत थे उनमें और कई प्रांत थे जिन्होंने अंग्रेजों को साथ दे दिया, जिस कारण 1857 की क्रांति जो थी ना वो फ्लॉप हो गई थी। तो अंग्रेजों को दोबारा से ये डर सताने लग गया कि भाई दोबारा से 1857 जैसी क्रांति जो है ना होगी तो हम तो कहीं की नहीं रहने के, वर्ल्ड वॉर सेकेंड अभी ख़त्म हुआ है, उसमें हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया, इकनॉमी भी डाउन हो चुकी है। तो यही वो कारण था दोस्तों जिस अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर दिया कि यहां रहे तो भाई वैसे भी हमको नहीं काट देंगे क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और हमारी संख्या बहुत कम है, क्यों ना अपनी बेइज्जती करवाने से अच्छा जो है हम भारत को सम्मानजनक आज़ादी दे दें, ठीक है दोस्तों। तो आपको बात समझ आ गई। अब जो ये विद्रोह होता है दोस्तों, इस विद्रोह को जो है ना दबा कैसे दिया जाता है, दो नेता होते हैं जैसे कि आपको बताया जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं और एक हमारे देश के लौह पुरुष कौन थे, सरदार जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो जो है उनको जो विद्रोही होते हैं उनको कहते हैं भाई आप शांत हो जाइए, लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विद्रोही जो है शांत हो जाते हैं और एक डायलॉग बोलते हैं, हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं ना कि ब्रिटेन के सामने, ये उनके कथन थे। तो आप सोच लो कैसे इनकी विचारधारा है विद्रोही वाली। तो ये सब देख के अंग्रेज डर गए और फाइनली जो है उन्होंने भारत को आज़ादी देने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों इस वीडियो का बताने का पर्पस ये है, हमको जो एक्चुअली इतिहास है ना दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा हमको घुमा फिरा के जो है परोसा गया, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर जो राज किया है वो कांग्रेस ने किया है, तो वो अपनी विचारधारा ही हमको पढ़ाती है। अब सोचो ना भाई इतने बड़ा देश था, इतने बड़े देश को आज़ादी मिली, तो इतने सारे जो 26,000 सैनिक मर गए और हज़ारों जो हमारे जो शहीद थे, अगर हम कहें कि भाई हमको अहिंसा के मार्ग से आज़ादी मिलेगी, तो उनका कितनी उनकी आत्मा को चोट पहुँचेगी दोस्तों, समझ पा रहे हो आप। और एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों, कोरोना टाइम में जो है आपने देखा होगा मास्क निकले हैं, कौन से वाले मास्क, उसमें तिरंगा छपा हुआ दोस्तों। अब वो मास्क जो है आपको पता है लोग पहनेंगे और सड़कों पर फेंक देंगे, तो कृपा करके वो मास्क ना यूज़ करिए। और अगर आप झंडा खरीदते हैं, भारतीय तिरंगा जो है खरीदते हैं, तो उसको सड़कों पर ना फेंकें,
आप घर में उसको रखिए, या तो खरीदिए ना, या अपने आप खरीद लेते हैं तो अपने घर में लाकर उसकी रिस्पेक्ट करिए। तो ये सब इसी बीच जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारी जितनी चीज़ें हैं वो अपने जीवन में जो है आप अपने बच्चों को सिखाइए। ये क्रांतिकारियों के बारे में भगत सिंह हो गए, आपके चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, आज़ाद फौज हो गई, चंद्रशेखर, ये आपके सुभाष चंद्र बोस, ऐसे जो क्रांतिकारी हैं ना, इनके बारे में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनमें एक चरित्र, उनका एक करेक्टर बन जाएगा देशभक्ति वाला। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये पबजी हो गया, मोबाइल में उनको ज़्यादा ना लगने दें और ऐसी ऐसी कहानी सुनाएं ताकि वो देशभक्त बन सके। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना। जय हिंद।